हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉपिक करेंगे पोटेंशियोमीटर। और ट्वेल्थ क्लास का ये एक्सपेरिमेंट है और इसकी ऑब्जर्वेशन जो टेबल है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर टॉपिक में भाई क्या क्या अपैरेटस यूज होंगे पहले हम बात करते हैं। ये हमारे पास है भाई मल्टीमीटर भाई, ठीक है। मल्टीमीटर की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। ये हमारे पास रियोस्टेट है। रियोस्टेट में सबसे मेन जो चीज़ ये है कि कनेक्शन किस किस टर्मिनल के बीच करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ये हमारे पास है एक टर्मिनल, एक वायर यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा और सेकंड वायर जो नीचे यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। ये हमारे पास है भाई लेकलांची सेल। इस लेकलांची सेल में कार्बन रोड है, ठीक है। ये हमारे पास जिंक रोड है। ये हमारे पास भाई डेनियल सेल है। डेनियल सेल के अंदर हमने भाई ये जो नीचे हमारे पास पार्ट है, इस पार्ट में कॉपर सल्फेट मिला रखा है पानी के अंदर। पास में जो कार्बन है इसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है H2SO4, जो कि पानी के अंदर मिला रखा है। ओके भाई, जो कि वायर के ऊपर स्लाइड करने काम आएगी टू गेट बैलेंस पॉइंट। ये की है हमारे पास भाई, जो कि सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए, पोज करने के लिए या करंट प्रोवाइड करने के काम आएगी भाई। स्विच है की। ये अनदर की है जिसके अंदर पास में सपोज दो कनेक्शन प्रोवाइड करने हो, सपोज दो सेल की कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इसको बीच वाले को टर्मिनल को कनेक्ट किया जाएगा जॉकी के साथ। और ये दोनों हमारे पास में जो पॉइंट हैं ये सेल से कनेक्ट किए जाएंगे। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक किया जाता है, दोनों साइड 0 पॉइंट मिड में होगा और दोनों साइड डिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें पोटेंशियोमीटर में एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है कि डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एक ही डायरेक्शन में शो करता है। आप पोटेंशियोमीटर के वायर पे कहीं भी आप जॉकी को पुट करते हो लेकिन डिफ्लेक्शन एक ही जगह शो करता है, वो एरर होता है उसके अंदर। वो एरर रिमूव किया जाता है बाई यूजिंग रियोस्टेट। ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है भाई, अब वो दिखाई दे रहा है। इसमें 1 ओम का है, 2 ओम का है, सभी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। जितना आपको रेजिस्टेंस इसमें इजेक्ट आउट करोगे, सपोज मैंने 5 ओम पे से मैंने की को आउट किया है, तो इसका रेजिस्टेंस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स का 5 ओम है फिलहाल। ये बैटरी एलिमिनेटर है, इसमें जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उस पर हम सेट करेंगे। और हम एमीटर भी यूज़ करेंगे भाई, सीरीज में लगाया जाता है आपको पता है करंट को मेजर करने के लिए। बाकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो सर्किट के अंदर। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है भाई। जितनी ज़्यादा वायर लेंथ का हम यूज़ करेंगे इसको, इसमें ये 10 वायर का है, आप 6 वायर का भी हो सकता है, 4 वायर का भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे इसका मीनिंग है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मीनिंग है आप उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हो, और सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब है आप मिनिमम अमाउंट ऑफ ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। सर्किट कनेक्ट करते हैं भाई। बैटरी जो एलिमिनेटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां आएगा हमारे पास है भाई एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। एमीटर का नेगेटिव जो टर्मिनल है ये आएगा हमारे पास भाई, यहां कनेक्ट करेंगे इसके साथ हम। और ये कनेक्ट करके हमारे पास इसको हम कनेक्ट करेंगे भाई पोटेंशियोमीटर के एक एंड के साथ। पोटेंशियोमीटर का एक एंड के साथ हम कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चलते हैं भाई, रियोस्टेट का एक एंड हम क्या करेंगे की के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट करेंगे हम भाई रियोस्टेट का एक एंड की के साथ, और ये इसकी का भाई दूसरा एंड कहां जुड़ेगा, की है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर के दूसरे एंड के साथ। एमीटर से रिक्वेस्ट, एमीटर से रिक्वेस्ट।
आपको दन दोनों की हम टेबल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये हमारे पास में भाई लकलांची सेल है और लकलांची सेल का जो जिंक रोड है वो मैं कनेक्ट करना है किसके साथ, पोटेंशियोमीटर के उसी एड के साथ जो एड बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव एड के साथ जुड़ा हुआ। ये हमने कनेक्ट कर दिया भाई। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारे पास आएगा जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट होगा और ये इसका दूसरा जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस बॉक्स का, ये टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे भाई गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर हमारे पास गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव एंड के साथ, ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे जॉकी के साथ और आपका सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। ये हमारा सर्किट है टोटल पोटेंशियोमीटर का जिसमें हम पहले एक सेल की आप डराइव करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन दूसरे सेल के लिए कनेक्ट करेंगे उसकी आप फाइंड आउट करेंगे। तो हमें वो देखना है जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया भाई। अब इसके बाद सबसे पहला जो हम पॉइंट रखेंगे वो क्या है, अगर मैं इस जॉकी को सपोज इस वायर के ऊपर मूव कराता हूं, ठीक है, इस एंड मैंने रखा, देखो डिफ्लेक्शन किस तरफ है, दूसरा एंड पर रखा मैंने तो डिफ्लेक्शन देखो किस तरफ है। अगर दोनों डिफ्लेक्शन एक साइड होते हैं दैट मीन्स आपके कनेक्शन जो सही नहीं है। अगर मैं एक एंड पे कनेक्ट करता हूं तो एक साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दूसरे एंड पे कनेक्ट करता हूं दूसरा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स आपकी कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है। मैंने अभी 2000 ओम की को प्लग आउट किया हुआ है। अब 2000 की को मैंने अगर प्लग आउट किया है तो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो 2000 ओम है। अब इस में हम टेबल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या पुट कर रहा हूं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है भाई जिसके अंदर हम रीडिंग पुट करेंगे भाई। इसके ऊपर बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे लकलांची सेल के लिए। लेट्स मूव ऑन वर्किंग पार्ट। सपोज मैं जॉकी को वायर के पोटेंशियोमीटर के वायर के इस एंड पे कनेक्ट करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिफ्लेक्शन किस साइड में है, एक साइड होगा। जब दूसरा एंड इस पे कनेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड होगा। अगर दोनों साइड अगर आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है दैट मीन्स आपके कनेक्शन जो है पोटेंशियोमीटर के सही है। अदरवाइज वन साइडेड अगर डिफ्लेक्शन दिखाता है, अगर वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है तो इसका मतलब आपके कनेक्शन जो है वो गलत है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों साइड डिफ्लेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन जो है शो करेगा गैल्वेनोमीटर। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम रीडिंग लेंगे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स था, रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने 1000 ओम का, 1000 ओम का जो की थी वो प्लग आउट किया है और मैं इस एंड पे जब कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को यहां रीडिंग दिखा रहा है, इस साइड पे देख रहा हूं तो यार नहीं दिखा रहा है। तो हमें जॉकी को उस जगह प्लेस करना है जहां पे डिफ्लेक्शन जो है जीरो बन जाएगा, जहां डिफ्लेक्शन हमारा जीरो बन जाएगा। यू कैन सी हियर जॉकी शुड बी रब्ड ओवर द वायर वेरी जेंटली, अदरवाइज इट विल चेंज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो ये हमारे पास बैलेंस पॉइंट मिला है और ये हमारे पास थर्ड वायर है फ्रॉम दिस साइड, ठीक है।
और थर्ड वायर का मतलब टू वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसका मतलब 200 सेंटीमीटर वायर की लेंथ हो चुकी है, जो आपको बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हुआ कहा है 88 सेंटीमीटर, 88 मीन्स 200 प्लस 88, तो 288 इसका बैलेंस पॉइंट मिलेगा जब हमारा पास रेजिस्टेंस कितना होगा 1000 ओम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे भाई, 2000 ओम रेजिस्टेंस जो की थी उसको प्लग आउट करेंगे। ठीक है, हम ये रीडिंग जो फाइंड आउट कर रहे हैं लैग्रांजी सेल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिंगल सेल के लिए करेंगे। मैं इन दोनों को अलग अलग करके जो है यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हो जो डिफ्लेक्शन है वो किस साइड में है, ये आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन किस साइड में है। तो हमें बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करनी है, हम वो पोटेंशियोमीटर की लेंथ देखेंगे जिस जगह पे डिफ्लेक्शन कितना होगा जीरो। और बैलेंस लेंथ हमारे पास मिलेगी भाई 298 सेंटीमीटर, जब मैंने 2000 ओम का रेजिस्टेंस की को प्लग आउट किया है तो बैलेंस लेंथ मेरे को मिली 298 सेंटीमीटर फॉर लैग्रांजी सेल। सिमिलरली हम 3000 निकाल सकते हैं टोटल, 5000 निकाल सकते हैं, तो अलग रीडिंग हमारे पास आ जाएगी। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे डेनियल सेल के लिए, और डेनियल सेल का कनेक्शन जो है आपको पता है कैसे करते हैं, पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो क्या होगा पोटेंशियोमीटर की एक एंड के साथ कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है जिंक जो रोड है वो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट हो गया। चेक करते हैं पहले डिफ्लेक्शन, देखो इस साइड डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इस एंड पे दूसरा डिफ्लेक्शन है। ठीक है भाई, तो हमें वो बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करनी है जिस जगह पर डिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा नल बनेगा। चेक किया है हम 1000 ओम के ऊपर, चेक करेंगे बैलेंस लेंथ कितनी मिलेगी हमें। और बैलेंस लेंथ आपकी है भाई 212 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2000 ओम अगर हम रेजिस्टेंस की आउट करते हैं तो बैलेंस हमारा पॉइंट क्या मिलेगा वो चेक करते हैं डेनियल सेल के। आपको दिखाई दे रहा होगा बैलेंस पॉइंट मिल चुका आपको 207 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ हमारे पास। तो इस तरह से हम बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और दो सेल की ईएमएफ की रेशियो E1 बाई E2 किसके इक्वल होती है L1 बाई L2 के इक्वल, वहां से वैल्यू पुट करके, क्योंकि बैलेंस लेंथ आपको दोनों पता है, बैलेंस लेंथ आपको पता है, उसकी जो रेशियो होगी वही क्या होगी डेनियल सेल और लैग्रांजी सेल की ईएमएफ की रेशियो होगी। ठीक है, तो इस मेथड से हम दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं।